हॉरर मूवीज मूवीज का एक ऐसा जॉनरा है जिसको बच्चे हों या बड़े सभी एज ग्रुप के लोग पसंद करते हैं और फिल्म मेकर्स इन मूवीज को ऑडियंस के लिए अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं माही एंड वेलकम टू एक्सप्लेन अस प्लीज। आज हम अपनी सीरीज हॉलीवुड हॉरर को कंटिन्यू करते हुए काउंटडाउन करेंगे टॉप 5 बेस्ट हॉरर मूवीज फ्रॉम 2005 टू 2010। मैंने इस लिस्ट में इंसीडियस मूवी को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये एक बड़ी हिट थी और हो सकता है आपने पहले देखी हो। और मैंने इस वीडियो में उन मूवीज को भी ऐड नहीं किया है जो सीक्वल्स थी उन मूवी की जो हमने पिछली हॉलीवुड हॉरर की वीडियो में बताई थी। अगर आपने पिछली वीडियो देखनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। नंबर 5, दी आई। मूवी बेस्ड है 2002 की जापानीज मूवी दी आई पर। जेसिका एल्बा ने रोल किया है एक ब्लाइंड वायलिनिस्ट का जो 5 साल की उम्र से अंधी होती है, लेकिन एक आई ट्रांसप्लांट के बाद उसकी नजर वापस आ जाती है। कुछ दिन बाद वो नोटिस करती है कि उसको कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जो दूसरों को नहीं दिखती। इसकी वजह जानने के लिए वो उस पर्सन को ढूंढने लगती है जिसने उसको आई डोनेट की। मूवी में काफी हॉरर सीन्स हैं और मूवी जेसिका एल्बा के कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। ये मूवी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नंबर 4, 1408। मूवी एक होटल रूम के इर्द गिर्द घूमती है। ये रूम बहुत मिस्टीरियस है और जो भी इस रूम में रहने जाता है वो जिंदा नहीं निकलता। इसकी वजह जानने के लिए इस रूम में रहने का इरादा करता है एक राइटर, क्योंकि वो किसी भी सुपर नेचुरल एक्टिविटी में नहीं मानता और वो इस पे एक बुक लिख रहा होता है। राइटर के रूम में रहने की असल वजह थोड़ी पर्सनल होती है जो हमें फिल्म में आगे पता चलता है। राइटर इस रूम में रहने जाता है, होटल का मैनेजर इसको वार्निंग भी देता है और ये भी बताता है कि इस रूम में कैसी कैसी अजीब चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी राइटर उस रूम में रहता है। मूवी में उसकी गुजारी हुई रात दिखाई गई है। नंबर 3, द मिस्ट। ये मूवी बेस्ड है स्टीफन किंग की नॉवल द मिस्ट पे। अगर आपको नहीं पता स्टीफन किंग कौन है तो ये ऑथर हैं एक फेमस नॉवल इट के। इसी साल इट पे एक और मूवी रिलीज होने वाली है। द मिस्ट मूवी की डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और हॉरर सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं उस वक्त की हॉरर मूवीज की बनिस्बत। एक छोटे अमेरिकन टाउन में तेज तूफान आता है जिससे टाउन की पावर चली जाती है। लोग स्टोर्स में जाते हैं सप्लाईज लेने के शायद तूफान दोबारा आए। तभी स्टोर के आसपास धुन यानी मिस्ट आने लगती है जो पूरे टाउन को कवर कर लेती है। धुन के साथ आते हैं कुछ ऐसे क्रिएचर्स जो मिस्ट में लोगों को मारने लग जाते हैं। मूवी उस स्टोर में फंसे लोगों के इर्द गिर्द घूमती है जो सप्लाईज लेने गए थे। नंबर 2, रिकॉर्डिंग। ये मूवी फाउंड फुटेज टाइप मूवी है, लेकिन अब तक की वन ऑफ द बेस्ट फाउंड फुटेज टाइप मूवीज में से एक है। मूवी 2007 की बेस्ट हिट मूवी रही है और बाद में इसके 2 पार्ट्स भी रिलीज हुए हैं। मूवी में दिखाई गई है एक जर्नलिस्ट और उसका कैमरामैन जो एक बिल्डिंग में रिपोर्टिंग करने जाते हैं जिसको गवर्नमेंट ने सील कर दिया है ये वजह बताकर कि अंदर लोग एक खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड हैं। लेकिन जब जर्नलिस्ट और उसका कैमरामैन अंदर जाते हैं तो सोल्जर बिल्डिंग की एग्जिट सील कर देते हैं और उनको बाहर नहीं आने देते। अब अंदर जर्नलिस्ट और उसके कैमरामैन के साथ क्या क्या होता है ये सब इस मूवी में दिखाया गया है। नंबर 1, डेड साइलेंस। एनाबेल चकी जैसी मूवीज तो सबने देखी होंगी जिसमें एक डॉल होती है जो पोसेस्ड होती है डीमन से। इस मूवी में भी एक डॉल है बिली जो डीमन से पोसेस्ड है, लेकिन फर्क ये है कि इस मूवी में सिर्फ जंप स्केयर्स और बैकग्राउंड म्यूजिक से लोगों को नहीं डराया गया जैसा एनाबेल के फर्स्ट और थर्ड पार्ट में हुआ था। ये डॉल एक पपिट है जिसको एक मैरी शॉ नाम की महिला अपने शो के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन किसी तरह 70 साल बाद ये पपिट जेमी नाम के आदमी के घर पार्सल में आता है और इसकी वाइफ को बुरे तरीके से मार देता है। पुलिस को तो शक जाता है जेमी पे, लेकिन जेमी को पता है मर्डर किसने किया है। सो जेमी इस डॉल के राज को जानने के लिए निकल पड़ता है। बिली द डॉल है कौन और इसने इसकी वाइफ को क्यों मारा ये जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। सो गाइज, ये था हमारा हॉलीवुड हॉरर सीरीज का सेकंड पार्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रेस लाइक। हम आपके लिए ऐसे ही फिल्म से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं और अगली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।